ये पेज नंबर 551 एग्जांपल 16 example 16 let e1 and e2 be the events of selecting bag first and bag second bag first and bag second respectively. हमने कहा कि E1 and E2 be the events of selecting bag first and bag second respectively. तो कुल मिलाकर आप ये देखिएगा, ball निकालने से पहले मुझे दो बैगों में से एक बैग सेलेक्ट करना है, तो दो में से एक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. तो चाहे बैग फर्स्ट हो चाहे बैग सेकंड हो, तो हम ये कहेंगे therefore PE1 is equal to PE2 is equal to 1/2. ये चीज अगर किसी को भी नहीं समझ में आएगी तो प्लीज बताइए. हमने क्या करा, हमारे पास दो बैग्स हैं टोटल, दो बैग्स में से मुझे एक बैग सेलेक्ट करना है. मैं पांच में से एक सेलेक्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5. मैं चार में से एक सेलेक्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? चार में से एक, तो 1/4. ठीक है ना? तो इसी तरीके से दो बैगों में से कोई एक बैग सेलेक्ट करना है तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2. भाई बराबर होगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रैंडम सेलेक्शन है, रैंडम सेलेक्शन में प्रोबेबिलिटी बराबर होती है. तो दो बैग्स हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. क्यों? ताकि दोनों का सम 1 के इक्वल आ जाए. 1/2 + 1/2 1 के इक्वल. मान लीजिए तीन बैग होते तो तीनों बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3. 1/3, 1/3. तीनों को ऐड करोगे तो 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा. ये समझ में आ गया? हां सर, आ गया. यस सर. चलिए पहली चीज तो ये हो गई. उसके बाद देखिएगा, फिर ये बोलते हैं one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. मैंने सिलेक्शन कर लिया, दोनों में से किसी एक बैग में से मैंने एक बॉल निकाली, निकाल कर मुझे देखा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देख लिया, उसको मैं हमेशा मानूंगा इवेंट ए. तो इट इज फाउंड टू बी रेड, तो उसको मैं बोलूंगा इवेंट ए. देखिएगा, लेट ए बी द इवेंट ऑफ selecting a red ball. It is found to be red. है ना कि हमने जो बॉल निकाली जो मैंने देखा तो मुझे वो लाल रंग की मिल गई. तो इसका मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को हम ये स्टैंडर्ड नोट करके चलेंगे और यही फंडा याद करके चलेंगे कि सबसे पहले सिलेक्शन से भी पहले जो हम सिलेक्शन करते हैं उन इवेंट्स को, अगर वो दो इवेंट्स है तो E1 और E2, तीन इवेंट्स है तो E1, E2, E3, चार है तो E1, E2, E3, E4 ये लेंगे. तो सिलेक्शन से भी पहले जो मैंने सिलेक्शन करा वो मैंने किसका करा? बैग्स का सिलेक्शन करा. देयर आर टू बैग्स, तो मैंने उन इवेंट्स को E1 और E2 मान लिया. दो बैग हैं, बराबर बराबर चांसेस है उनको सिलेक्ट करने के. PE1 और PE2 दोनों 1/2 हो गए. फिर जो मैंने बॉल निकाली तो वो बॉल निकाल कर मुझे क्या मेरा ऑब्जर्वेशन है? मैंने देखा कह रहे ये तो रेड बॉल है. तो जो चीज मैंने ऑब्जर्व कर ली, जो चीज मैंने फाइंड आउट कर ली, उसको मैं ए इवेंट मानूंगा. तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल. समझ में आ गया होगा मुझे लगता है. ठीक है, इसके बाद फिर अब मुझे क्या करना है? अब अगर मैं ये निकालू पी ए अपॉन E1, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी of selecting red ball from bag first. Probability of selecting red ball from bag first. Bag first में से red ball select करने की probability A upon E1 कहलाएगी. ठीक है ना? तो A upon E1 क्या है? अब चलो देखिएगा. देखिए बैग फर्स्ट
जो रेड बॉल है, रेड बॉल बैग फर्स्ट में से होनी चाहिए, तो बैग फर्स्ट में रेड बॉल कितनी है? तीन, और टोटल बॉल्स कितनी है? तीन रेड है और चार ब्लैक है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? सेवन। तो पी ए अपॉन ए वन, ए अपॉन ई वन कितना हो गया? थ्री अपॉन सेवन। ये समझ में आ गया सर, एक बार फिर बता दो। दोबारा बताता हूँ। हाँ सर, ए अपॉन ई वन का मतलब क्या है कि वो जो लाल बॉल सेलेक्ट करी है हमने, वो हमने बैग फर्स्ट में से सेलेक्ट करी है। बैग फर्स्ट में से हमने रेड बॉल सेलेक्ट करी है, तो बैग फर्स्ट में कितनी बॉल्स है टोटल? बैग फर्स्ट में दे रखा है कि तीन रेड बॉल है और चार ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल तो सेवन हो गई। हाँ सर, आ गया। थ्री, तो थ्री अपॉन सेवन। बताइए, हाँ सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए पी ए अपॉन ई टू, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी। ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकंड, सेकंड बैग में से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड बॉल देखो, सेकंड बैग देखिए, सेकंड बैग में पांच रेड और छह ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 11। पांच रेड है तो 5 अपॉन 11, 5 अपॉन 11 ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिएगा पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। Find the probability that it was drawn from bag second. मुझे ये probability बतानी है, fixed probability कि जो मैंने लाल बॉल निकाली थी, it was drawn from bag second. तो आपको क्या करना है? Bag second वाला तो ये है ना, P A upon E2. तो आपको लिखने का तरीका है, आप ये कहेंगे, therefore probability that the drawn red ball was from bag second. तो इसके लिए क्या करेंगे? ये P A upon E2 वाला, इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको लिखने का तरीका है P E2 upon A, रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे उल्टा करके। हम लिखेंगे P E2 upon A डिनोमिनेटर में लिखेंगे बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी की वो क्या होगी? P E1 मल्टीप्लाइड बाय P A upon E1 प्लस P E2 मल्टीप्लाइड बाय P A upon E2। अगर मान लो कोई तीसरा भी इवेंट होता तो मैं क्या लिख देता नीचे टोटल में? प्लस P E3 मल्टीप्लाइड बाय P A upon E3, तब मैं ये लिख देता नीचे। ठीक है ना? अच्छा, तो ये दो ही इवेंट्स थे, ये हो गया। और इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैक सेकंड, तो सेकंड बैक वाला यानी कि ये वाला, ये टर्म एज इट इज ऊपर आ जाएगी, P E2 into P A upon E2। अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाता कि probability that the drawn red ball was from bag first, तो ये ना आता, तो first वाली ऊपर आ जाता, यानी कि ये वाला ऊपर आ जाता। समझ गए? Yes sir। Yes sir। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ values डालनी है। देखिए P E2 कितना है? P E2 की value 1 upon 2 multiplied by P A upon E2 कितना है? 5 upon 11। मतलब कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बस इवेंट्स समझ कर लिखना वही इंपॉर्टेंट था, इसमें उसी में गड़बड़ करते हैं बच्चे, तो उस चीज को ध्यान से समझो। बस P E1 कितना है? 1 upon 2। सर वो जो आपने दूसरा केस बताया था उसमें क्या होता है? दूसरा केस कौन सा? जिसमें आपने कहा था रेड बॉल अगर बैग वन से ली जाती, तो अगर बैग वन में से ली जाती तो ये जो नीचे P E1 into P A upon E1 है, फिर ये वाला आ जाता, ऊपर ये ना आता। अच्छा ठीक है सर, आ गया। ये जो E2 है तो बैग सेकंड वाला है ना इवेंट, इसलिए। हाँ सर। हाँ। 1/2 P A upon E1 कितना है? P A upon E1 है 3/7। ठीक है, प्लस P E2 कितना है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/11।
अब देखो जो डिनोमिनेटर है इसमें यहां भी 1/2 है यहां भी 1/2 है कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/11 डिनोमिनेटर में 1/2 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में क्या बचा 3/7 प्लस 5/11 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया ये आएगा 5/11 3/7 प्लस 5/11 इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 77 7 11 जा तो 11 3 जा 33 प्लस 11 7 जा तो 7 5 जा 35 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में आ जाता है तो 5 into 77 बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 33 प्लस 35 कितना हो जाएगा 68 68 हो गया 11 7 का 68 मेरे हिसाब से और तो कुछ डिवाइड होगा नहीं तो 35 अपॉन 68 यही आंसर है इसका बताइए जी क्लियर है सबको यस सर क्लियर है यस सर ठीक है तो ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 16 ठीक दोबारा से बताता हूँ कि जो भी मुझे सिलेक्शन से भी पहले जो सिलेक्शन करना पड़ता है तो वो उन इवेंट्स को मैं मानता हूँ E1, E2, E3, E4 जितने भी इवेंट्स हैं जैसे यहाँ पर सिलेक्शन से भी पहले मुझे क्या सिलेक्शन करना पड़ा बैग फर्स्ट है और बैग सेकंड है तो दोनों में से कोई एक बैग को सिलेक्ट करना पड़ा ठीक है तो वो तो इवेंट्स हो गए E1, E2 दो बैग है तो E1, E2 हो गया तीन बैग होते तो E1, E2, E3 चार होता तो E1, E2, E3, E4 उसके बाद जो मैंने सिलेक्शन किया वो सिलेक्शन करने के बाद जो मैंने ऑब्जर्व करा उस इवेंट को मैं ए ए मानूंगा हमेशा जो मैंने सेलेक्ट करा सेलेक्ट करने पर जो भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन जो मेरा आया उसको मैं हमेशा इवेंट ए मानूंगा जैसे यहां पर सबसे पहले तो सिलेक्शन से भी पहले क्या सिलेक्शन करा कि मैंने बैग सेलेक्ट कर लिए तो वो तो मेरा इवन ईटू हो गया अलग हो गया अब मैं मेन सिलेक्शन पर आ जाता हूं तो मैंने सिलेक्शन के नाम पर क्या करा एक बॉल निकाली बॉल निकाली तो देखिए अरे रेड कलर की बॉल है तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है दैट इवेंट विल बी ट्रीटेड एज इवेंट ए उसको मैं इवेंट ए मानूंगा ठीक है उसके आगे मैंने कैसे प्रोसीड करा तो आप समझ ही चुके हैं ठीक है सर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इवेंट क्या दोबारा बोलो हाँ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दोबारा बोलो सर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ही हमारी वो ए मानी जाएगी ना बस 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 जो मेरी पहली ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ऑब्जर्व करा है वही मेरा ए है उसी को मुझे ए मानना है आप एक्स मान लो वाई मान लो जेड मान लो कुछ भी मान लो हम तो एक स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं कि उसको हमने ए मान लिया अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी फंडा यही रखना है एग्जांपल 17 एग्जाम्पल नंबर 17 में देखो क्या है गिवन थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड ईच ईच कंटेनिंग टू कॉइंस ठीक है इन बोथ इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइंस आर गोल्ड कॉइंस बॉक्स फर्स्ट में पहले डब्बे में दो कॉइंस हैं दोनों कॉइन गोल्ड के इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइंस ठीक है एंड इन बॉक्स थर्ड देयर इज वन गोल्ड एंड वन सिल्वर कॉइन ठीक है ना तो यहां पर क्या है यहां पर हमारे पास तीन बॉक्सेस है और तीन बॉक्सेस के अंदर सभी के अंदर दो दो कॉइन्स है पहले बॉक्स में दोनों गोल्ड कॉइन है दूसरे बॉक्स में दोनों सिल्वर कॉइन है और तीसरे बॉक्स में एक गोल्ड का कॉइन है और एक सिल्वर का कॉइन अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन तो पहले वो क्या करता है पहले वो बॉक्स चूज करता है रैंडमली देन टेक्स आउट अ कॉइन तो सिलेक्शन से भी पहले का सिलेक्शन क्या है बॉक्स को सिलेक्ट 1/3 बिल्कुल दे रखा थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस आइडेंटिकल बॉक्सेस मतलब मैं आंख बंद करके सेलेक्ट करूंगा तो मैं किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट कर सकता हूं तो बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी हो गई यानी कि 1/3 तो हम ये कहेंगे लेट E1 कॉमा E2 एंड E3 बी द इवेंट्स ऑफ Selecting boxes first, second, and
थर्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, तो तीनों में तीनों आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तो उनको सेलेक्ट करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज हो गई वो हो गई बेटा 1/3, 1/3 और 1/3, तीनों इक्वल हो गए, ठीक है, तो तीनों का सम बन के इक्वल हो गया है। उसके बाद आगे उन्होंने बोला है कि अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, बॉक्स चूज कर लिया एंड टेक्स आउट अ कॉइन, और एक कॉइन वो बाहर निकालता है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, यानी कि उसने जो कॉइन बाहर निकाला वो कॉइन उसने क्या ऑब्जर्व करा कि वो गोल्ड का है, यानी कि ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ गोल्ड कॉइन। ये समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है ठीक, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि रेड बॉल उसने सेलेक्ट करी, रेड बॉल फ्रॉम बैक फर्स्ट उसको क्या माना था, पी ए अपॉन ईवन, रेड बॉल फ्रॉम बैक टू उसको क्या माना था, पी ए अपॉन ई टू। उसी तरीके से यहाँ पर उसने क्या सेलेक्ट करा है, गोल्ड कॉइन, तो गोल्ड कॉइन फ्रॉम बैक बॉक्स फर्स्ट उसको क्या मानेंगे, पी ए अपॉन ईवन। तो हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी P A upon even करो सीधा, P A upon even। बेटा एक मिनट के लिए मेरी ना वीडियो पॉज होगी प्लीज। P A upon even का मतलब क्या है, कि गोल्ड कॉइन प्रोबेबिलिटी of drawing gold coin from box first, ठीक है। अब आप ये देखिए कि first box जो है, first box में दो ही coin है और दोनों के दोनों coin जो है वो gold के हैं, तो gold coin first box में से select करने की probability क्या हो गई, 2/2 यानी कि 1, 2/2 यानी कि क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 1। ये बताइए ये क्लियर है? यस सर। सर एक बार दोबारा बताना, ये वाला दोबारा बताता हूँ। आप ये देखो कि पी ए अपॉन इवन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स फर्स्ट में से गोल्ड कॉइन मेरे को सेलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। और ये दे रखा है कि बॉक्स फर्स्ट में दोनों के दोनों कॉइन गोल्ड के हैं, तो इसका मतलब आप आग बंद करके कुछ भी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 ही आएगी, मतलब 100% है कि गोल्ड कॉइन ही आएगा, ठीक है भाई। दो में से दो तो 2/2 हो गया ना प्रोबेबिलिटी, 2/2 तो 1 हो गया। ये समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये हो गया 1। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा अगला मैं निकालता हूँ इसी तरीके से, पी ए अपॉन ई टू, P A upon E2, ये क्या हो जाएगा, probability of drawing a gold coin from box second। Sir, box 2 में तो gold coin है ही नहीं। अब जो बॉक्स टू है, बॉक्स टू में तो गोल्ड कॉइन है ही, बॉक्स टू में दोनों के दोनों कॉइन्स जो है वो आपके सिल्वर के हैं, तो गोल्ड कॉइन कितने हैं उसके अंदर, 0, और टोटल कॉइन्स कितने हैं, 2, तो 0/2 यानी कि 0, ये तो 0 हो गया। इसी तरीके से अगला निकालेंगे पी ए अपॉन ई थ्री, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a gold coin from box 3। तो box 3 में क्या है कि एक gold है, box 3 में एक gold है और एक silver है, मुझे तो gold चाहिए, total coin कितने हो गए 2, मुझे तो gold चाहिए तो gold कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया 1/2। पहले ये बता दीजिए ये तीनों events clear है? yes,
हाँ सर यस सर। अब देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में इन्होंने लास्ट में बोला है इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। ऐसा किस केस में हो सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ पहले केस में हो सकता है, क्योंकि बॉक्सेस जो है ना, तीनों बॉक्सेस उनमें दो दो कॉइन्स ही है ना, तो What is the probability that the other coin is also of gold? इसका मतलब तो यही हो गया ना कि पहला box, क्योंकि पहले box में ही दोनों gold के coin हैं, तो इसका मतलब वो आपसे P even upon A पूछ रहे हैं। बताइए जी, clear है मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आदिति clear है? Yes sir। आदिति बजाज, आदिति गोयल, दोनों बताओ clear है? Yes sir। ठीक है। Probability that the other coin is also of gold. यानी कि ये सिर्फ पहले बॉक्स में ही ऐसा हो सकता है कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड का हो, क्योंकि दूसरे बॉक्स में दोनों सिल्वर के हैं तो वो तो गोल्ड कॉइन हो ही नहीं सकता, और तीसरे बॉक्स में एक गोल्ड कॉइन था वो आपने निकाल दिया तभी तो 1/2 है, तो जो दूसरा बचा हुआ कॉइन है वो तो सिल्वर का ही होगा, तो इसका मतलब पहला ही बॉक्स हो सकता है, तो पी इवन अपॉन ए निकालना है। पी इवन अपॉन ए तो डिनोमिनेटर में तो लिख देंगे बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी P even into P A upon E1 plus P E2 into P A upon E2, ठीक है, और plus P E3 into P A upon E3, P E3 into P A upon E3, ये हो गया। अच्छा, और इवन अपॉन ए निकाल रहा हूं, यानी कि ये वाली जो इवन वाली टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, तो पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन, पी इवन कितना है बेटा 1/3 मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन इवन कितना 1, पी इवन 1/3 और ए अपॉन इवन कितना 1 प्लस पी ई टू ये भी 1/3 और पी ए अपॉन ई टू कितना 0 प्लस पी ई थ्री ये भी 1/3 और पी ए अपॉन ई थ्री कितना 1/2 ठीक है, तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचा केवल 1/3 और डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म तो 0 हो गया, 1/3 प्लस 1/3 इनटू 1/2 तो 1/3 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर में है 1/3 डिनोमिनेटर में से 1/3 कॉमन लिया तो यहां बचेगा बेटा 1 प्लस ये टर्म तो खत्म हो गई बिकॉज़ इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू 0, यहां से 1/3 कॉमन लिया तो ये बचेगा 1/2, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है तो ये क्या हो गया 2/3, समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा 2/3। उसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 पर स्टार मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18। मैं इधर से मिटा रहा हूं,
एग्जांपल नंबर 18 में देखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ एचआईवी टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज. रिलायबिलिटी ऑफ एचआईवी टेस्ट, भाई एचआईवी जो टेस्ट होता है वो एड्स का टेस्ट होता है, तो एचआईवी टेस्ट की रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मान लीजिए किसी बंदे को एचआईवी है ही नहीं और आपने उसको रिपोर्ट आपने दे दी, गलत रिपोर्ट दे दी कि भाई आपको तो एचआईवी हो रखा है, वो बेचारा तो टेंशन में परेशान हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि एचआईवी वाला कोई बंदा बचता नहीं है, ठीक है ना, कोई भी मतलब उसकी अभी तक कोई दवाई नहीं है. तो इस वजह से जो एचआईवी टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वो एचआईवी टेस्ट जो भी करवाए आप वो ठीक होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए. तो उसकी रिलायबिलिटी के बारे में इस क्वेश्चन ने एक्सप्लेन कर रखा है. देखिए, of people having HIV, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected. अब अगर मान लीजिए of people having HIV, वो लोग जिनको एक्चुअल में HIV है, जिनको एक्चुअल में AIDS है, वो जब अपना टेस्ट कराते हैं तो 90% ऑफ द टेस्ट जो है 90% टेस्ट अनडिटेक्टेड चले जाते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं डिजीज को. 90% टेस्ट तो डिजीज को डिटेक्ट कर लेते हैं कि मतलब पर्सन को एचआईवी है, और रिपोर्ट भी कहती है कि उसको एचआईवी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पहले ही लिखा हुआ है ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, कि जिनको एचआईवी है, तो वो जो टेस्ट है, टेस्ट की जो डायग्नोस्टिक जो रिपोर्ट है, तो 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज एंड 10% गो अनडिटेक्टेड. और 10% कुछ ऐसे भी टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसी भी लैब होती है जहां पर आपने टेस्ट कराया, वो कहेंगे नहीं जी आपको एचआईवी नहीं है, आप तो ठीक हो गए, ठीक है. पहली लाइन तो ये हुई. आगे बढ़ते हैं. ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी, अब ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी मतलब जिनको एचआईवी नहीं है, जो बिल्कुल फिट है, जिनको एचआईवी नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एचआईवी नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एचआईवी पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको एचआईवी है, एचआईवी नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको एचआईवी नहीं है. तो इन्होंने लिखा है ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम एचआईवी, जिन लोगों को एचआईवी नहीं है, ठीक है, तो 99% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट एचआईवी नेगेटिव, आर जज्ड एज एचआईवी नेगेटिव, यानी कि 99% टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं, ये कहते हैं कि हाँ एक्चुअल में भी आपको एचआईवी नहीं है, और टेस्ट भी यही कहता है कि आपको एचआईवी नहीं है. लेकिन 1% आर डायग्नोस्ड एज शोइंग एचआईवी पॉजिटिव, मतलब 1% टेस्ट ये कहते हैं कि आपको एचआईवी नहीं है, मतलब एक्चुअल में तो एचआईवी नहीं है, लेकिन 1% टेस्ट कहते हैं कि नहीं जी आपको एचआईवी है. मेरी बात समझ में आ गई? यस सर. हां सर, स्टेटमेंट समझ में आ गए. सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसमें ये है ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, जिन लोगों को एक्चुअल में एचआईवी है, 90% टेस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं और कह देते हैं कि हाँ आपको एक्चुअल में एचआईवी है, लेकिन 10% टेस्ट कहते हैं कि आपको एचआईवी नहीं. फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम एचआईवी, जिनको एचआईवी नहीं है, 99% टेस्ट भी यही कहते हैं कि हाँ आपको एचआईवी नहीं है, लेकिन 1% टेस्ट कहता है कि आपको एचआईवी है, मतलब 1% टेस्ट यहाँ पर गलत होगा, ठीक. उसके बाद फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एचआईवी, 1% इज सिलेक्टेड एट रैंडम, given the HIV test and the pathologist reports him or her as HIV positive, ठीक है ना? तो एक बड़ी population है, उस बड़ी population ने हमें ये बता रखा है कि पहले से ही पता है, कोई मालूम है, तो वीडियो आनी बंद हो गई ना? Yes sir. एक मिनट वेट करिए. चलिए जी एक मिनट रुकिए.